तो आप में से यार कोई मेरे एक व्यूअर हैं जो मुझे लगातार कमेंट करते हैं कि भैया आप अपनी जो है बालों को अपने सनलाइट में दिखाइए कि किस तरीके से आपके बाल दिखाई देते हैं। तो यार देख लीजिए आप, मैं बिल्कुल धूप में आ चुका हूँ अभी। आप मतलब मुझे बार बार कमेंट मत करिएगा कि भाई आपके बाल धूप में कैसे दिखाई देते हैं। बिल्कुल सनलाइट में मैं इस वक्त खड़ा हूँ, तो पीछे का आप बैकग्राउंड भी देख सकते हैं, कपड़े वपड़े डाले हुए हैं सूखने के लिए। तो यार देखिए, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देके मुझे कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। आपको क्या लगता है, मैं मिनोक्सिडिल का आप लोगों के साथ प्रचार कर रहा हूँ, मिनोक्सिडिल वाले मुझे मतलब कुछ पैसे वगैरह देते हैं, मैं आपको वीडियो बना के दूंगा तो मिनोक्सिडिल वाले मुझे आकर पैसा दे के जाएंगे। मिनोक्सिडिल कई सारी कंपनियों का आता है, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। आप मिनटॉप का यूज करो या फिर मौर्या 5% यूज करो, कई सारी कंपनियाँ हैं जो मिनोक्सिडिल बनाती हैं। तो आप ये बिल्कुल सनलाइट में आप मतलब ये हेयर देख लीजिएगा। एक मिनट आपको थोड़ा मैं बालों को ऐसे भी करके दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हो। और आगे का ये जो हिस्सा है ना यार, ये काफ़ी दिनों से मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर मतलब छोटे छोटे हेयर दिखाई देते हैं, वापस फिर वैसे ही हो जाते हैं। तो ये तो अपनी जगह पर चलो चलिए ठीक ही है। तो चलिए फ्रेंड, अभी दोबारा से कमेंट बार बार मत करिएगा कि भाई सनलाइट में दिखाओ सनलाइट में दिखाओ, क्योंकि यार किसी चीज़ से मतलब डर नहीं लगता है यार। हर एक चीज़ मतलब जो चीज़ें होती है ना, वही चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने की इच्छा होती है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। आप में से कुछ लोग बोल रहे थे कि भैया कभी बालायाम के बारे में बताते हो, कभी मतलब मिनोक्सिडिल के बारे में बताते हो। तो यार मैं आपको बता दूँ, पिछले 4 साल से यूट्यूब में कर रहा हूँ। 2017 में मैंने चैनल क्रिएट किया था, मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो शायद 9 अक्टूबर या नवंबर वाले महीने में मैंने फर्स्ट वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की थी। तो यार देखिए, सभी मतलब जो एक्सपीरियंस रहा है अब तक मेरा, मैं शुरू से ही शेयर करते चला आ रहा हूँ वीडियो। आप मेरी पुरानी कभी वीडियो पर क्लिक करके देख ले रहे हो, तो अभी जो मेरी नई वीडियो आप देखोगे 2021 में, और क्योंकि तभी मैं बालायाम के बारे में बताता था जो मुझे मेरा एक्सपीरियंस रहा था। धीरे धीरे मैंने बालायाम से काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा बेनिफिट मिला था, लेकिन उसके बाद मैंने काफ़ी दिनों तक अपने बालों को संभाले रखा, लेकिन फिर से मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हो गया। इसके लिए मैंने इस बार मिनोक्सिडिल का रास्ता चुना। एक ही चीज़ को आप लाइफ टाइम तक नहीं कर सकते, चाहे वो मिनोक्सिडिल हो या बालायाम हो या और कोई भी चीज़ हो। अभी का मेरा हेयर फॉल की जर्नी के बारे में अगर आप मेरी वीडियो देखोगे तो आपको सब समझ आ जाएगा कि मैंने मिनोक्सिडिल के बारे में क्यों बताना शुरू किया। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो बस यहीं तक थी। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।